हाय गाइस, नमस्ते, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं दोस्तों, जो 68 हर्ट्स है, 70 हर्ट्स है, उसके बारे में। सो रिसेंटली एक बंदे के साथ मेरी बात हो रहा था दोस्तों इंस्टाग्राम के अंदर। उस बंदे ने बोला जो अपना रेमिनोट 7 है, रेमिनोट 7 के अंदर आप 68 हर्ट्स और 70 हर्ट्स को एनेबल कर सकते हो। क्या आप उसी तरह से अपने MI2 डिवाइस के अंदर भी जो 70 हर्ट्स है, 68 हर्ट्स से उसे एनेबल कर पाते हैं। सो बेसिकली जो MI2 डिवाइस है उसे किस तरह से 68 हर्ट्स और 70 हर्ट्स जो है उसको, उसका जो रिफ्रेश रेट है उसमें किस तरह से उसे अनलॉक करते हैं, उसे किस तरह से इनेबल करते हैं, उसके बारे में पूछ रहा था उस बंदे ने। सो मैंने भी सोचा चलो भाई जब इसके बारे में एक वीडियो करते हैं, तो मैंने बहुत सारे यूज़र के साथ बात की, जो डेवलपर है डेवलपर के साथ बात की, उसके बाद ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने दोस्तों पर्सनली, मेरे पास जो रेमिनोट 7 है, मेरे पास जो MI2 डिवाइस है, दोनों के अंदर ही 70 हर्ट्स और 68 हर्ट्स का जो मोड है उसे इंस्टॉल नहीं किया है। बट जो एक्सपीरियंस है जिस बंदे ने इंस्टॉल किया है, यूज़ किया है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, Xiaomi को पता है जो उनका डिवाइस है उसके अंदर 70 हर्ट्स और 68 हर्ट्स डाल सकते थे, बट Xiaomi ने दोस्तों बाय डिफॉल्ट 60 हर्ट्स के अंदर ही कैप करके दिया है। इसके पीछे मेन रीजन क्या है? इसके पीछे मेन रीजन है इसका हार्डवेयर। हमारा जो MI2 डिवाइस है एंड इवन जो रेमिनोट 7 है, दोनों ही दोस्तों स्नैपड्रैगन का 660 के अंदर रनिंग करता है। आपको मालूम होगा जितने ज्यादा FPS होगा उतना ही दोस्तों, जितना ज्यादा हर्ट्स होगा और जितना ज्यादा FPS होगा उतना ही हमारा जो CPU है CPU के अंदर लोड पड़ता है, ठीक है। उसी तरह से जो हमारा Poco X3 उसके अंदर स्नैपड्रैगन का 732G है, फिर भी दोस्तों 120 हर्ट्स के अंदर हमें ड्रॉप देखने को मिलता है। 120 हर्ट्स लगातार हमें देखने को नहीं मिलता है इवन इन कॉलिंग। सो जो 70 हर्ट्स से और 68 हर्ट्स से अगर आप उसे अप्लाई करते हो, तो जो चीज़ आप लूज करते हो वो है आपका जो CPU है, CPU ज़्यादा यूसेस करेगा, मतलब CPU ज़्यादा यूज़ होगा इसलिए आपका जो फोन है ज़्यादा हीट होगा। अगर आपका फोन ज़्यादा हीट होगा तो आपका जो बैटरी ड्रेन है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल 60 हर्ट्स के अंदर। सो अगर आप 70 हर्ट्स यूज़ करोगे तो बैटरी ड्रॉप ज़्यादा होगा, उसके बाद आपका CPU गर्म होगा एंड बैटरी भी गर्म होगा। उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे यूज़र है जो कि इसे ट्राई कर चुके हैं, जिसके साथ सभी चीज़ हो चुका है, एंड कुछ कुछ यूज़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनलकी है, क्योंकि कुछ कुछ यूज़र है जो कि 68 हर्ट्ज़ और 70 हर्ट्ज़ यूज़ कर चुके हैं अपने रेमिनोट 7 के अंदर, उसके बाद जो स्किन बर्निंग का इशू फेस किया है। मतलब कुछ कुछ लोगों का जो स्किन है, फोन का जो स्किन है वो बर्न हो चुका है, इतना ज़्यादा हीट हो गया है और इतना ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। तो मैं आपको कतई रिकमेंड नहीं करता हूँ अपने फोन का जो स्किन है उसे 68 हर्ट्ज़ और 70 हर्ट्ज़ के अंदर अपडेट करने के लिए और उसे पुश करने के लिए और उसे पुश करके अपने फोन का जो स्किन है उसे जलाने के लिए। क्योंकि अगर आप मान लेते हैं एनेबल कर भी देते हो 70 हर्ट्ज़ अपने MI2 डिवाइस के अंदर, उसके बाद अगर आपका फोन जल जाता है, आपका जो स्किन का जो पिक्सल है वो जल जाता है, तो क्या फायदा 70 हर्ट्ज़ का? एंड 70 हर्ट्ज़ जो है भाई साहब वो यूज भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन का 660 इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। आप शायद ही इस कॉलिंग के टाइम इतना ज्यादा महसूस करोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो गेम है वो भाई साहब सपोर्ट तो नहीं करता है। जैसे कि पबजी मोबाइल 120 हर्ट्ज़ में नहीं चलता है, 90 हर्ट्ज़ 90 FPS में चलता है, एंड आप 90 FPS को अचीव नहीं कर पाओगे अपने रेमिनोट 7 और MI2 डिवाइस के अंदर। सो अचीव जो कर सकते हो 68 हर्ट्ज़, 70 हर्ट्ज़, ठीक है, मतलब 68 हर्ट्ज़ एनेबल करोगे 68 हर्ट्ज़ तक ही जाएगा आपके FPS, उससे ऊपर तो नहीं जाएगा, राइट। इवन आप 90 FPS के साथ खेलते हो तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओवरऑल जो मेरी चीज आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 68 हर्ट्ज़ और 70 हर्ट्ज़ को एनेबल कर ले तो अपने रेमिनोट 7 MI2 डिवाइस के अंदर जो चीज आप कर रहे हो, आपका जो बैटरी हेल्थ है वो आप लूज कर रहे हो, आपका जो फोन है उस फोन को आप रिस्क में डाल रहे हो, आपका जो फोन का स्किन है वो बर्न हो सकता है, आपका जो फोन है वो हीट होगा वो तो अलग से, आपका जो बैटरी ड्रेन होगा वो तो अलग से होगा। सो ये जो 70 हर्ट्ज़ से एंड जो 90 और जो 68 हर्ट्ज़ से ये सब भूल जाओ भाई, सब ए कतई रिकमेंडेड नहीं रहेगा। बट अगर आप सच में चाहते हो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो जरूर से कमेंट कर करना एंड कमेंट करके बोलना यस वी वांट 70 हर्ट्ज टू इनेबल ऑन आवर MI2 डिवाइस। सो अगर आप कमेंट करते हो 70 हर्ट्ज के बारे में MI2 डिवाइस के लिए, तो मैं जरूर से वीडियो बनाऊंगा डैम श्योर, बट ये कतई रिकमेंडेड नहीं रहेगा। अगर आप इसे यूज करते हो 68 हर्ट्ज और 70 हर्ट्ज को अपने डिवाइस के अंदर, जो आपका स्किन है वो जल सकता है, आपका जो बैटरी है वो ओवर हीट हो सकता है, सो हीटिंग का तो इशू रहेगा ही। सो एंड नॉर्मली दोस्तों इस कॉलिंग के टाइम जो है 68 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज के ऊपर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, एंड जो गेम्स है जैसे कि पबजी मोबाइल जो है वो उसको आप 90 FPS में नहीं चला पाओगे अपने रेमिनोट 7 और MI2 डिवाइस के अंदर, हाईएस्ट 70 FPS और 70 हर्ट्ज़ के अंदर ही चलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देनी होगी। आई होप ओवरऑल आप समझ पाओगे कौन सी चीज़ के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। जो 60 हर्ट्ज़ है वही बढ़िया है MI2 डिवाइस के अंदर, रेमिनोट 7 के अंदर 68 हर्ट्ज़ एंड 70 हर्ट्ज़ करने का कोई मतलब नहीं है, जस्ट वन टाइम यूज़ है, एक दो बार यूज़ कर लो उसके बाद आपको
आपको सच में मजा नहीं आएगा। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में आओ, और अगर आप सच में चाहते हो MI2 डिवाइस के अंदर 68 हर्ट्ज को इनेबल करना तो कमेंट कर देना, मैं जरूर से वीडियो डालूंगा। चलो बाय।